आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट ए एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, और टॉपिक क्या कवर करेंगे इसमें हम, हाउ टू इंसर्ट ए पेज बॉर्डर, हाउ टू इंसर्ट ए इमेज, हाउ टू इंसर्ट ए टेक्स्ट और हाउ टू इंसर्ट ए पेज कलर। तो ये टॉपिक आप कवर करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप, स्टार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो कई तरीके से खोल सकते हो आप, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके भी खोल सकते हो उसको, और आप यहाँ पे डायरेक्टली आप स्टार्ट मेनू में जाके एमएस ऑफिस भी सेलेक्ट करके वहाँ से भी खोल सकते हो, देन आपके शॉर्टकट से भी खोल सकते हो। तो आपके सामने ये जो अपेयर हो रखा है आपका एमएस वर्ड 2007। ठीक है, अभी करना क्या है, आज हमने इसमें करना है आज पेज बॉर्डर। सबसे पहले इसमें क्या डालना है अपने, पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर के लिए यहाँ पे आ जाओगे, देखो पेज लेआउट पर क्लिक करोगे और पेज बॉर्डर पर क्लिक करोगे। पेज बॉर्डर पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपने यहाँ पे अब इसमें क्या शो कर रहा है, नन शो कर रहा है, तो मीन्स आपका इसमें अभी पेज बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ पे आपका बॉक्स को सेलेक्ट करोगे, बॉक्स सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद में आप देखो कि किस तरह की लाइनिंग आपने अपने देनी है उसमें, पेज किस तरह का बॉर्डर देना है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो ये करो, और अगर इसमें आपने कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो हमने रेड सेलेक्ट कर लिया, और देखो इसमें विड्थ भी दे सकते हो, इसमें अगर आपने बॉर्डर को विड्थ देना था आप विड्थ दे सकते हो इस वे में, और इसको ओके करोगे तो आपका ये पेज बॉर्डर हो जाएगा। तो अभी देख नहीं रहा हमारा अभी देख रहा आपका पेज बॉर्डर हो गया, पूरा हो गया ना पेज बॉर्डर। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले अपने टेक्स्ट का साइज यहाँ पे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो हमने यहाँ पे टाइप किया, वीमैक टाइप किया, इसको हमने सेंटर कर दिया और अभी यहाँ पे ये तो हो गया आपका टेक्स्ट। अभी हम इस पर क्या इंसर्ट करेंगे, इमेज। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपने इंसर्ट में जाना है और क्लिप आर्ट में। क्लिप आर्ट में जैसे ही आप यहाँ पे आए तो क्लिप आर्ट में यहाँ पे गो किया आपने, सपोज करो क्लिप आर्ट से भी आप इमेजेस ले सकते हो। अगर आपने अपनी कोई इमेजेस लेनी है तो अगेन वापस पिक्चर्स में जाओ इधर, और यहाँ पे जो है सपोज करो हमने डेस्कटॉप में हमारी एक पिक्चर, हम इसको लेते हैं और हमने इसको इंसर्ट कर दिया, तो ये हमारी पिक्चर आ गई यहाँ पे, आ गई पिक्चर। अभी भी इस पिक्चर को आपने टेक्स्ट रैपिंग करना है पक्का आगे, तभी इसका मोबिलाइजेशन होगा आपने, अदरवाइज एक जगह पे आपका फिक्स हो जाएगा। देन आफ्टर फिर इसके बाद में इमेज आ गई आपकी, और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे फिर अगेन फिर टैक्स डालना है, तो आपने ये आपने टैक्स डाल दिया अगेन इसमें। ठीक है, और ये नंबर डाल दिया आपने, इसमें आपने अभी रह गया हमारा क्या, ये देखो अभी हो गया ना पेज बन गया हमारा, पेज क्रिएट हो गया। अभी हमने क्या करना है, इसको इस पेज को कलर करना है, इस पेज को कलर करना है। तो अगेन फिर वहीं पेज लेआउट में जाएंगे हम और पेज कलर्स में क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे पेज कलर्स में जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो वो कलर आप इसमें कर सकते हो, फिल कर सकते हो। सपोज करो आपने ब्लू कलर लिया और ये आपका पेज कलर हो गया। इसमें और भी ऑप्शन है पेज कलर में, आप इसमें मोर कलर्स दे सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट करके। अगर आपने कोई अपना इसमें पसंदीदा कलर नहीं है आपका तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। और इसके अलावा भी आप यहाँ पे जो है फिल इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे आपका जो है अलग अलग यहाँ पे है ना टेक्सचर्स हैं आपके, डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स हैं, आपने टेक्सचर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे सपोज को टेक्सचर सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपका फिल इफेक्ट्स में, आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेक्सचर सेलेक्ट कर लिए फिल इफेक्ट से। पैटर्न है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैटर्न, अगर आपने कभी कभी देखना आपके उसमें इस तरह से हो जाता है, आप सोचते हो क्या हो गया पेज में क्या हो गया, तो यहाँ पे जाके पैटर्न में जाके उसको नन कर देना। ठीक है, फिल इफेक्ट्स रिमूव कर देना, पिक्चर्स डाल सकते हो यहाँ से। पिक्चर्स अगर आपके पास में है सपोज करो इसी को डाल देते हैं, ओके। तो पूरा यहाँ से, तो आज हमने क्या सीखा, इसमें पेज बॉर्डर सीखा,
इंसर्ट टैक्स सीखा, और क्या सीखा, पेज कलर और इंसर्ट इमेज। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, आगे समझ में? ओके, समझ